आगरा के अधिवक्ता के खिलाफ महिला ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में पीड़िता ने आरोपी पर तेजाब से चेहरा बिगाड़ने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आत्मदाह कर लूंगी। दीवानी के वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ न्यू आगरा थाने में बलात्कार सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को उनकी दीवानी न्यायालय में तारीख थी। जब वो तारीख के लिए दीवानी पहुंची तो उसे आरोपी द्वारा न्यायालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिस कारण वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा लगातार उसे धमकी दी जा रही है। मुकदमा वापस न लेने पर तेजाब से मुंह बिगाड़ने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ऐसे में वो लगातार उसे धमका रहा है। एडवोकेट प्रकाश नारायण शर्मा, उनका लड़का जय नारायण शर्मा और उनकी जो वाइफ है, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है न्यू आगरा थाने में 6 जनवरी को, जिसमें 100 जिसमें मेन धारा है 376, उसमें अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। 161 बयान हो गया है, 164 भी हो गया है बयान। सारे एविडेंसेस मैं पुलिस को दे चुकी हूँ। पुलिस किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं कर रही है और मेरी आज अर्जेंट डेट भी लगी थी कोर्ट में, दो जो विवाद मेरा पति के साथ चल रहा है। आज मुझे कोर्ट में घुसने नहीं दिया वकीलों ने। मैं घर से निकलना मेरा मुश्किल हो रहा है। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। सरेआम मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की, तेजाब मुँह पर तेजाब फेंकने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मैं सबसे शिकायत कर रही हूँ, थाने में भी मैंने कंप्लेंट की हुई है इस टॉपिक पर कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं अभी 3-4 दिन पहले भी मैं डेट पर गई थी, वहाँ भी उल्टा सीधा उस लड़के ने बोला, जय नारायण शर्मा है जो, वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई अरेस्टिंग नहीं कर रही है पुलिस, जान से मारने की धमकी दे रही है। तो मैं क्या करूँ? मैं अब अगर अरेस्टिंग नहीं हुई उनके 24 घंटे के अंदर तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मैं क्लियर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब क्या आश्वासन दिया है सीपी साहब ने, बोला अरेस्टिंग के लिए अरेस्टिंग करा देंगे। अगर मैं ये बोल रही हूँ मेरी 24 घंटे के अंदर, तीनों आरोपियों की 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। मैं क्लियर बोल रही हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि मैं अब झेल नहीं सकती हूँ, बहुत झेल लिया मैंने अब।